पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सी ब्लॉक इलाके का है, जहां रहने वाले नरेंद्र बजाज अपनी पत्नी वंदना के साथ बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में रहते हैं। आज अचानक नरेंद्र के घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग की लपटें बिल्डिंग के चौथे फ्लोर में भी पहुंच गई, जहां आरती की पत्नी शशि कटिहार, बेटा आशीष और अश्वनी आग में फंस गए। वहीं चीख बुखार और आग की ऊंची ऊंची लपटें देख आसपास के लोगों ने भारी भीड़ जमा हो गई और आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए एकजुट हो गए। तभी बिल्डिंग में प्रथम फ्लोर में रहने वाले एमके सिंह, जो कि फैक्ट्री मालिक है, उनके नौकर रवि और आशीष तीसरे फ्लोर पर जा पहुंचे और आग में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास करने लगे, मगर आग इतनी भीषण थी कि आग में फंसे लोगों के बचाने के दौरान चौथे फ्लोर पर रहने वाले शशि कटिहार, नौकर रवि और आशीष खुद ही आग में बुरी तरीके से झुलस गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग की टीम को आग बुझाने का प्रयास जारी रखा। साथ ही तीनों झुलसे गए लोग आनंद फानंद में हैलेट अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में बिठाकर रिफर कर दिया गया, मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते नौकर रवि श्रीवास्तव ने दम तोड़ दिया। वहीं शशि और आशीष भी बुरे तरीके से झुलस गए, जिनके उपचार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि आग ने विकराल रूप उस वक्त भी धारण कर लिया था जब घर में रखा गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आपको बताते चले कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो एक कॉलोनी थी, जिसके मानक के विपरीत जाकर अपार्टमेंट बनाकर बिल्डर के द्वारा बेच दिया गया, जिसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आग लगी थी, क्या हुआ है भैया? बताया ना, हम घर पे नहीं थे, ठीक है, हमको पीछे फोन आया कि ऐसे ऐसे थोड़ी शॉर्ट सर्किट हुई, आग लगी है। हम जब तक आए तब तक आग बढ़ चुकी थी। अब उसका बताइए, हम क्या बताएं, क्या कारण, क्या बताया, कैसे शॉर्ट सर्किट, कैसे भाई क्या पता नहीं, इन्वर्टर है लाइक भाई, इन्वर्टर की वजह शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। क्या कैजुअलिटी हुई है? कुछ लोग घायल है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल घायल, सिर्फ जो फादर जो सुरक्षा कर सुरक्षा के लिए आए थे, जो सुरक्षा के लिए आए थे वो घायल हुए, बाकी लोग सुरक्षित, बाकी लोग सुरक्षित, सब सुरक्षित है। कहाँ भैया, क्या करते हुए? ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सामने जो है, इसमें जो है अभी ये पूरा क्लियर कट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी थी, क्योंकि एक ऐसे सूचना 8 बजे पुलिस को सूचना थी, फायर ब्रिगेड के स्टेशन साहब भी और सब लोग, हम लोग आए, 2-3 गाड़ियाँ आई, सब बाकी सब आप लोगों ने देखा ही, आपके सामने रेस्क्यू काम चल रहा है, क्योंकि पूरी अभी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन उसके स्मोक बचे हुए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू करके 4 लोगों को निकाला भी गया है, एक आदमी जो है ज़्यादा इंजर्ड है, उसको टोटल 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है यहाँ से। एक जो है की स्थिति बहुत जो है मतलब वो है, जिसको मतलब सेंस अभी नहीं है व्यक्ति, उसको भी भेजा गया है हॉस्पिटल के लिए। फर्स्ट एड के बाद क्या होगा, बाकी डिटेल्स और फ्लैट में कैसे आग लगी, क्या लगी, ये अभी पूछने पे इन लोगों से पता चलेगा, अभी तक तो रेस्क्यू कर पाए हैं। क्या कोई अभी कोई फंसा हुआ है? नहीं, अभी तो वो क्लियर हो गया है, अभी कोई फंसा हुआ नहीं है सर। कितने माले में आग लगी है? ये बिल्डिंग जो है आपको देख रही है, मतलब ग्राउंड से मतलब सेकेंड फ्लोर पे आग लगी है, और फिर आग जो है कैसे लगी है, क्या लगी, अभी किसी से पूछताछ नहीं हो पाई। क्या कोई दुर्घटना? एक भी स्थिति बहुत गंभीर है, उनको भेजा गया, आप देखते हैं क्या है। ठीक 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 ठीक